जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है पास्ट लाइफ रीडिंग, और यहाँ पर आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे। आप राजा थे, रानी थे, नाइट थे, पेज थे, आप कौन थे पास्ट लाइफ में, तो आज हम यही जानेंगे इस रीडिंग में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैंने पहले ही अलग कर दिए हैं, ये सारे कोर्ट कार्ड्स हैं। यहाँ पर हम देखें तो किंग, क्वीन, नाइट, पेज सब हैं। देखते हैं कौन थे आप, ये एक अलग से हो गए। उसके अलावा ये बाकी कार्ड्स हैं। तो ये आज जो टैरो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ ये है गिल्डेड टैरो रॉयल मिनी। तो ये मैंने अभी इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप कौन थे पिछले जन्म में। और उससे पहले यहाँ पर आपको दूंगी दो ऑप्शन। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। एक है ये रुद्राक्ष और एक है ये ब्राउन स्टोन, इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करें। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए, जिन्होंने सिलेक्ट किया है ब्राउन स्टोन, देखते हैं कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे। जिन्होंने भी ब्राउन स्टोन सिलेक्ट किया है वो पिछले जन्म में कौन थे हमें बताएं। ओके, सो लेट्स टेक आउट वन कार्ड। आप पिछले जन्म में क्या थे? वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स थे, आप राजा थे, आप एक ऐसी डेजिग्नेशन पे थे जो बहुत ही सीनियर है, आप एक्शन ओरिएंटेड थे, फायरी एनर्जी थी, ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगी एरीज के साथ, सेजिटेरियस के साथ और लियो के साथ, क्योंकि फायर एलिमेंट है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग राजा थे, आप एक स्ट्रॉन्ग विल्ड पावर पर्सन थे, आप बहुत ही रिच थे फाइनेंशियली, आप बहुत अच्छे थे, और आपका डिसीजन जो होता था आप सारी चीज़ों को देख करके तब डिसीजन लेते थे। एक ऊंचे सिंहासन पर आप बैठे हुए थे, एक ऊंची पोजीशन पर आप थे, पॉलिटिक्स में थे, पॉलिटिक्स में भी आप मिनिस्टर थे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते थे तो वहाँ पे सीईओ या फिर कोई और डेजिग्नेशन आपकी थी जो एक सीनियर पोजीशन होती है। तो जो भी काम आप करते थे उस काम के आप राजा थे। आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ आपने पास लाइफ में जी है, और यही बता रहा है ये कार्ड। तो अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है रुद्राक्ष वो कौन थे पास्ट लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट, जिन्होंने भी रुद्राक्ष सिलेक्ट किया है वो अपने पिछले जन्म में कौन थे, ये हमें बताएं। कौन थे वो अपने पिछले जन्म में हमें बताएं। ओके, द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए ये जो पर्सन है एक योद्धा है, एक फाइटर है, और यहाँ घोड़े पे बैठ के जा रहा है युद्ध के लिए। यहाँ पे सिर्फ युद्ध नहीं होगा, यहाँ पर आप देखिए ये सॉर्ड इसके हाथ में है जो सिर्फ युद्ध को नहीं दिखाता है, कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। तो ये कार्ड बताता है कि पास्ट लाइफ में आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, आप जिससे भी बात करते थे वो आपकी बातों से इतना इम्प्रेस हो जाता था कि आप इजीली अपने बहुत सारे टारगेट्स तो सिर्फ बोलने से ही अचीव कर लेते थे। तो कम्युनिकेशन वॉज योर पावर, वॉज योर मेन कैरेक्टरिस्टिक इन योर पास्ट लाइफ। आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक था कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत करना, और वही इस जन्म में भी होगा। आप जब लोगों से बात करते हैं तो वो आपसे इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि आपके बहुत सारे काम तो सिर्फ बातचीत करने के तरीके से ही आपकी बातें बन जाती हैं और लोग आपको एडमायर करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक था आपका पिछले जन्म का, और ये अब भी आपके अंदर होगा। अभी आप जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो वो आपसे बहुत इम्प्रेस होते होंगे, स्पेशली अगर आप जिन्होंने भी ये रुद्राक्ष सेलेक्ट किया है, चांसेस है कि आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हों इस जन्म में भी और लोगों से कम्युनिकेट करते हों। आप एक वॉरियर हैं, हो सकता है कि आप डिफेंस में हों, हो सकता है मिलिट्री में हों, तो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर आपका इंटरेस्ट हो कि आपको डिफेंस में जाना है, तो वो आपकी पास्ट लाइफ है जो आपको बुला रही है, और इसीलिए आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है। वेपन्स आपको बहुत पसंद है, फाइट्स में आप जाते हैं एक योद्धा की तरह, लोगों को डिफ़िकल्ट सिचुएशन से सर्वाइव करना एक आपका ये पैशन है, कोई मुसीबत में उसकी मदद करना आपका पैशन है, और ये जो पैशन है ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। तो जिन्होंने भी रुद्राक्ष सिलेक्ट किया है, आप एक वॉरियर थे, एक वीर योद्धा थे, और आप जिस भी फील्ड में थे, आप अगर मुश्किल में भी फंस जाते थे तो उस मुश्किल से भी सिर्फ अपने बातचीत करने के तरीके से ही आप निकल के आ जाते थे। आपके दुश्मन भी आपकी बातचीत, आपकी बातों के एकदम बहुत ज़्यादा आपको बातों को पसंद करते थे, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। तो यहाँ पर जिन्होंने भी रुद्राक्ष सेलेक्ट किया है वो एक नाइट ऑफ सॉर्ड्स थे, एक वॉरियर थे,
पास्ट लाइफ में, तो यही मुझे यहाँ पर देखना था। उम्मीद करती हूँ आपको पास्ट लाइफ की रीडिंग पसंद आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए, पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, मुझे व्हाट्सएप करें। नंबर है 9899 000 366। जय श्री राम, जय भारत।